नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था, वैसे कमेंट्स मेरे पास काफी सारे आ चुके हैं, लगभग इसी एज ग्रुप के लोग मेरे पास आजकल कमेंट्स काफी कर रहे हैं। 45 इयर्स की एज में SIP वो शुरू करना चाहते हैं। देखिए कुछ लोगों को काफी लेट ये चीज समझ में आई कि SIP में हमें बेनिफिट है, हमने बेकार ही FD RD में अपने पैसे को लगाया, हमें SIP में अपने पैसे को लगाना चाहिए था। ठीक है, फिर भी वो 45 की एज में भी शुरू करना चाहते हैं, काफी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 45 की एज में कितना बेनिफिट वो ले सकते हैं, 15 साल तक SIP को चलाना चाहते हैं, अमाउंट भी मुझे इन्होंने कमेंट किया है 10,000 रुपए महीना की SIP है, शुरू करना चाहते हैं। देखिए टारगेट तो काफी बड़ा बता रहे हैं, टारगेट 1 करोड़ के आसपास का बता रहे हैं। देखिए काफी अच्छे अच्छे फंड्स मैं इनके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं, ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा दो और ठीक है आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। देखिए उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि अच्छे अच्छे फंड आपको सजेस्ट करूं, बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही को लेना है। तो मैं यहाँ कुछ फंड्स आपको सजेस्ट करने वाला हूं, उसके हिसाब से आप डिसीजन अपना ले सकते हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड SIP में आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने स्तर से भी हर फंड्स की जो है बारे में जानकारी जरूर जुटा लें। देखिए रिटर्न्स इसमें कम ज्यादा होते रहते हैं, मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होते हैं। जितना रिटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा आपको मिल जाए, हो सकता है इससे कम भी रिटर्न आपको मिल जाए। दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को एक बार जरूर देख लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप जल्दी से कर लीजिए। वैसे दोस्तों ये भी काफी खुशी की बात है, इन्वेस्ट राइट के 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों की बदौलत पूरे हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब जल्दी ही इसको 2000 भी आप ही लोग करा सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले एज यहां लिख देते हैं, एज 45 ईयर्स की हो चुकी है। देखिए इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं, इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं 10,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन दस हजार रुपए को दो जगह डाइवर्ट करना होगा, 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। देखिए मेरे हिसाब से मेरा जो सजेशन इनको रहेगा, 5,000 रुपए महीना तो इनको लगा देने चाहिए स्मॉल कैप में। देखिए 15 साल का टाइम है, अगर इनके पास टाइम 10 साल के आसपास का होता तो इनके पैसे को मैं स्मॉल कैप के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन 15 साल का टाइम काफी लंबा टाइम है, स्मॉल कैप में रिटर्न्स अच्छे मिलने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों 5,000 रुपए इनको लगा देने चाहिए मिड कैप में। देखिए लार्ज कैप में इनके पैसे मैंने नहीं इनको सजेस्ट किए हैं लगाने के लिए, क्योंकि लार्ज कैप में फंड्स थोड़े, वो रिटर्न्स हमें थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। इनका टारगेट काफी बड़ा है, इसलिए मैंने कोशिश की है एक बैलेंस बनाने की मिड कैप और स्मॉल कैप में। चलिए देखते हैं किस तरह से। देखिए दोस्तों स्मॉल कैप में 3 फंड इनको सजेस्ट कर रहा हूं, निपॉन इंडिया, HDFC स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप। देखिए दोस्तों तीनों फंड्स की जो परफॉर्मेंस है पास्ट में काफी अच्छी रही है, काफी बढ़िया रिटर्न्स इन फंड्स ने बनाकर दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी हमें अच्छे रिटर्न्स ये फंड बनाकर जरूर देंगे। देखिए बात करते हैं मिड कैप की, मिड कैप के जो मैं इनके लिए फंड्स लेकर आया हूं, मोतीलाल ओसवाल, काफी बढ़िया फंड है मिड कैप कैटेगरी में, SBI मैग्नम के साथ ही जा सकते हैं मिड कैप कैटेगरी में, और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये फंड भी काफी बढ़िया है, परफॉर्मेंस तीनों फंडों की स्मॉल कैप कैटेगरी में मिड कैप कैटेगरी में काफी बढ़िया रही है, हम उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी काफी अच्छे रिटर्न इन फंड से हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों SIP की बात करते हैं स्मॉल कैप में। देखिए दोस्तों वैसे तो आपको 25% तक के रिटर्न्स यहां देखने को मिलेंगे, आप इन फंड्स को जब देखेंगे यहां आपको लगभग 20-25% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, फिर भी हम लोग रिटर्न्स यहां पर थोड़े से कम ही लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आप लोग देखते भी है, कभी भी रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता मैं, जितना मुझे उम्मीद लगती है कि हाँ ये फंड इतने रिटर्न दे सकते हैं उससे भी मैं 1-2% आपको कम ही बताकर चलता हूं। देखिए दोस्तों यहां आपको रिटर्न्स में लेकर चलता हूं 18%, केवल 18% का रिटर्न हम लोग यहां 15 साल के लिए मानकर चलते हैं।
बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी में, यहां हम लोग मानकर चलेंगे 15%। देखिए रिटर्न्स में आपको वो बता रहा हूं जो मुझे उम्मीद है कि इजीली आपको मिल जाएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा रिटर्न्स ही आपको देखने को मिले। चलिए दोस्तों अब यहां जो इन्वेस्ट करेंगे 15 इयर्स के लिए यहां भी 15 इयर्स के लिए ड्यूरेशन इनकी 15 इयर्स रहेगी, यहां 18% रिटर्न मिलेगा, यहां इनको 15% का रिटर्न मिलेगा मिड कैप कैटेगरी में। देखिए दोस्तों यहां जो इनकी वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 45 लाख रुपीज। 45 लाख रुपीज 15 साल बाद, 5,000 रुपये महीना ये इन्वेस्ट करेंगे 15 साल तक, जो टोटल वैल्यू इनकी बनेगी 15 साल के बाद, अच्छे रिटर्न अगर दिए 18% तो वो बनेगी 45 लाख रुपीज। वही बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, यहां जो इनकी वैल्यू बनेगी मिड कैप कैटेगरी में वो बनेगी 33.84 लाख। दोस्तों दोनों को हम लोग टोटल कर देते हैं 78.84 लाख। ये फाइनल वैल्यू इनकी बनकर आ जाएगी 10,000 रुपये महीना अगर इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, 5,000 स्मॉल कैप में कर देते हैं, 5,000 रुपये मिड कैप में कर देते हैं, लगभग 80 लाख रुपए ये इनको 60 साल की एज में इजिली मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों काफी अच्छे फंड से अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी इसमें SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP आप लोग जब भी स्टार्ट करें तो डायरेक्ट ही स्टार्ट करें, आप किसी ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही आप इन फंड्स की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग भी SIP शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे फंड सिलेक्ट करके आपके लिए ले आऊंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। धन्यवाद।